हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो ये आज शादी का माहौल है और इस माहौल में मैं भी मेरे भैया के भाई, देखो शादी है तो मैं भी सोचा कि कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर ले जाए बारात के दिन कुछ पहनने के लिए। तो आज मैं पहुँचा हूँ गोरखपुर और कुछ शॉपिंग करने के बाद देखिए मेरे भाई ने यहाँ पे अपने दीदी घर पहुँच गया हूँ। और थोड़ा चलते हैं, देखते हैं भैया क्या क्या लिया हूँ, तो थोड़ा आपको दिखा देते हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। ये लाया मैं सूट और कुछ अपने छोटे भांजे के लिए एक जैकेट लाया था। और भैया आज है हमारे आदित्य भांजे का बर्थडे। तो भैया बर्थडे आदित्य का, इसके बड़े भाई का, तो मैं कैडबरी एक छोटा सा गिफ्ट ले लिया हूँ उसके लिए, कैडबरी डेरी मिल्क सेलिब्रेशन। और देखो भैया उसका आज बर्थडे है और वो गया एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब संडे को भी एग्ज़ाम हो गया है। और थोड़े हम सोच रहे कि थोड़ा सूट ट्राई करके पहन के देखो कैसा लग रहा है, तो आपको पहनने के बाद दिखाते हैं कैसा लग रहा है। देखो भैया ये रहा पूरा फुल गेटअप, कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके बताओ। कलर कैसा है? कलर तो यार थोड़ा पर्पल है, मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे देखिए द गेटअप, ये हमारे मामा हैं और एकदम स्टाइलिश लग रहे हैं। पर्पल कलर का ये है और ये अभी जूता पहनेंगे तो आपको और अच्छे से स्टाइलिश दिखाएंगे। और अगर आपको बाकी थोड़ा सा अंदर साइड वर्ड पहनेंगे, अभी तो इनर बॉडी वार्मर पे हूँ और सब कुछ लगा के जाएंगे मामा, परफ्यूम वर्फ्यूम सब लगा के जाएंगे। और थोड़ा सा भैया घड़ी वड़ी भी पहन लेंगे इस हाथ में। लीजिए इनका पीटर इंग्लैंड का एक घड़ी है, देखिए पीटर इंग्लैंड का, इनके ऊपर एकदम जच रहा है, एकदम लग रहा है कोई बिलियनर खड़ा है यहाँ पे। बिलियनर मत बना भाई। देखिए इसी के साथ आप इनका फुल गेटअप आप अगर देख लीजिए और कमेंट बताइए कैसे लग रहे हैं। एकदम पूरा स्टाइलिश और स्टाइलिश मामा की शादी के लिए एकदम तैयार है। मुझे तो ये कलर यार काफी जच रहा है यार। अभी देखो कलर इसका क्या वेरिएंट भाई बदल रहा है बिल्कुल। वैसे ये है पर्पल कलर पर यहाँ जो लाइटें लगी हुई है इसको देख के भाई ऐसा लग रहा है कि सब चेंज बदल सा गया है। अभी देखो इस रूम में आऊंगा तो कुछ अलग आपको इस पर लाइनिंग भी है तो आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लाइट थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी इसको भैया के बारात के दिन पहनेंगे। तो अभी भैया टाइम हो गया है 5:30 और सत्यम का जो बड़ा भाई है मेरा जो बड़ा भंजा आदित्य उसका एग्ज़ाम आधे घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा तो 6:30 या 7 बजे तक आएगा। बाकी देखते हैं क्या प्रोग्राम है वैसे। और यहाँ पे हमारे से मिलिए, ये हमारे बड़े जीजा जी हैं। और कैसा लग रहा है बताइए? अरे एकदम तगड़ा लगा, बताइए बढ़िया लग रहा है। तो भैया अभी हम मैं और सत्यम चल रहे हैं, कुछ सामान घटा हुआ है, आदित्य के दोस्त आने वाले हैं, बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी है भाई। देखो कुछ लाना पड़ेगा तो जा रहे हम लोग गिलास वाला पत्ता लाने और पनीर बनेगा। ये हम सोच रहे थे नॉनवेज बनेगा लेकिन यार नॉनवेज कट गया यार। क्यों कट गया अब ऐसे? और सत्यम कह रहा भाई नॉनवेज खाने में मजा नहीं है। अब सादा खाने में वेज खाने में थोड़ा मजा आता है, बर्थडे में वेज खाना थोड़ा अच्छा लगता है क्या। तो फाइनली भी हम लोग घर पहुंच गए हैं और मसाला लेते समय भाई सत्यम का दिमाग देखो बहुत तेज है, उस पर लिखा था 2 get 1 free। तो हम लोग चार खरीदा है 20 रुपए में और 2 उसके साथ फ्री पाया। और देखो इसके आपको उसका खुशी देखो भाई, खुशी देखो इसके चेहरे पे, फ्री फ्री में पा गया है। देखो मसाला दिखाएगा अभी। और यहाँ पे देखिए खाना बन रहा है, यहाँ जीजा और दीदी मिलके दोनों लोग खाना बना रहे हैं यहाँ पे। और देखिए सत्यम समझा रहे हैं यहाँ पे कि फ्री में पा गए हम लोग मसाला। यहाँ पे भैया मटर बॉयल हो गया है, यहाँ सारा टमाटर कट चुका है, यहाँ देखिए पनीर डिसाइड हुआ है भैया केक वेक नहीं काटेंगे क्योंकि यार देखो यार हमारे यहाँ भाई कोई केक वेक काटता नहीं है। और ऐसा ये लोग मानते हैं कि भाई चाकू बर्थडे के दिन ये लोग छूने नहीं देते, तो इसलिए भाई केक नहीं काटेगा सत्य आदित्य। बाकी जो उसके दोस्त वोस्त आएंगे उसके लिए खाने वाने की पूरी तैयारी हो रही है, अभी आया नहीं है। देखो भाई 6:30 हो गया है, 6 बजे उसका पेपर ख़त्म होने वाला था। और यहाँ पे सत्यम
बताओ आज और कुछ। आज इसका बर्थडे है, बर्थडे भाई आज गायब है, तो जब बर्थडे भाई आया है तो उसे सरप्राइज दिया जाएगा। तो भैया बर्थडे बॉय देखिए इतने रात को आ रहा है पार्टी वार्टी करके, और शाम का हो गया है समय 7:30। क्यों बाबू कहाँ लेट हो गया इतना ज्यादा, कहाँ लेट हो गया है? तो भैया आदित्य आ चुका है और उसके लिए एक छोटा सा मैं गिफ्ट लाया था कैडबरी सेलिब्रेशन, तभी उसको बुलाते और ये देंगे उसको। तो बुलाओ भाई सत्यम, बुलाओ उसको। आओ छोड़ दो उसको, छोड़ दो। और ये आदित्य के लिए एक गिफ्ट कैडबरी सेलिब्रेशन। और बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज क्यों केक नहीं काट रहे हो ये बताओ पहले। कह रहे हैं कि हम तो है कि हम लोग मतलब सनातनी है, हिंदू धर्म है। अच्छा। और उसमें केक फूंकना जला कर मना है, ऐसी बात है इसकी वजह से। अब दूसरी बात ये है कि ये बड़ा हो गया, कह रहा बच्चा नहीं। अच्छा ये तो, देखो ये कह रहा है कि अब ये बड़ा हो गया, अब ये बच्चा नहीं रहा है, खुद बोल रहा है अपने मुंह से। अच्छा थोड़ी देर में भी आप लोग खाएंगे यहाँ पे, कुछ खाना लगा के हम लोग खाएंगे यहाँ पे, बाकी थोड़ी देर हम गाना वाना बजा के थोड़ा डांस करेंगे। और मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ तो इस वीडियो को ये रोकता हूँ, बाकी थोड़ी देर जब खाना खाते हैं तो दिखाते हैं क्या खाने में बना है। तो भैया थोड़ा थोड़ा माहौल बना रहे हम लोग म्यूजिक बजा के, और थोड़ी देर में थोड़ा बहुत हम लोग डांस करेंगे। क्यों तो यहाँ भैया आदित्य कैडबरी सेलिब्रेशन का अनबॉक्सिंग कर रहा है अभी। हवाले और तुझे जाए हैप्पी बर्थडे टू यू, यहाँ पे आदित्य का फेवरेट गाना भी बज रहा है। और भैया यहाँ पे एग्जाम दे के आया, पहले पूछ रहे थे एग्जाम कैसा हुआ तुम्हारा आज, किस चीज का एग्जाम था? माइनर था, माइनर था। कौन सब्जेक्ट का था? तो वही आज देखो इसका आज एग्जाम भी है और एग्जाम दे के आया था, और आज इसका बर्थडे भी है। बेचारा बहुत अपसेट था बहुत दिन से कि इसका पेपर है, उस दिन बर्थडे पड़ा है। तो भैया हम लोग आदित्य को मीठा मुंह कराएंगे, आज का बर्थडे है तो ये अपने दोस्तों के साथ खा के आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ तो केक कटेगा नहीं भाई, सनातनी धर्म है, हिंदू लोग हैं ये लोग, केक काटना नहीं है भाई। वैसे भी हमारे अभी कोई नहीं काटता है, तो चल रहे इसका मुंह मीठा करा दिया जाए। अरे यार तो फट नहीं रहा यार, दीजिए मामा। बैठो बैठो यार, इनको खिला दे जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हेलो तुम भी खा लो सत्यम। मैं भी ट्राई कर लेता हूँ भाई, बढ़िया लग रहा है। इसको देखो खा जा रहा, थोड़ा थोड़ा खा रहा। तो यहाँ पे भैया कुछ पड़ोसी और आदित्य के दोस्त हैं, उनको खाना खिला रहे हैं हम लोग। भाई सत्यम को तो भाई सबसे पहले खाना चाहिए, उसके बाद ही कुछ करेगा ये। I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here. So भैया काफी मजा आया यार, पसीना से देखो ये। फाइनली जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन ये सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा सेलिब्रेट कर लिया हम लोग। काफ़ी नाचे, देखो यार हाँ पी रहा है, पसीना इसको भी हो गया है, और इसका बाल का हालत देखो,
ये कैसे इसका भीगा हुआ है बाल, थोड़ा उधर आ गया, ये देखो इसका बाल कैसे भीगा है पसीने से। तो भैया बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भैया वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके टाटा। कैसा लगा कमेंट में लिखिए। तो मजा भाई समझ रहे, बात को समझिए यार, कुछ कह रहा है यार छोटा लगा, कुछ कह रहा है भाई, बात समझो, मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।